अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की जो टीम है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। अनाउंसमेंट के बाद भी खबरें आ रही हैं जी ये प्लेयर खेलेगा ये नहीं खेलेगा। आपने जो 4 प्लेयर लिए हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि T20 वर्ल्ड कप खेल सकें? वहाब को, आमिर को, फ़खर जमान को, मलिक को और आपने बाहर बिठा दिया, एक्सपीरियंस प्लेयर सारे बाहर हैं। नवाज़ को आपने ले लिया जो 6 माह से खेला ही नहीं है। एक बंदा रात को सोता है, रात को एक बंदा सोया, सुबह बिस्तर से उठा, दफ्तर में चला गया, दफ्तर का काम उसे आता भी है नहीं। रैक आपने उसको कुर्सी पे बिठा दिया, वाह भाई वाह। बोर्ड भी चेंज हुआ, चेयरमैन भी चेंज हुआ, सिलेक्शन कमेटी भी चेंज हुई, सिलेक्टर भी चेंज हुए, पर पाकिस्तानी क्रिकेट के जो सिलेक्टर हैं उनकी जो रवायत है वो चेंज नहीं हुई। क्या वजह है? कब तक बेइंसाफियां करते रहेंगे प्लेयर्स के साथ? लोगों को क्यों नहीं खिला रहे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? जो 12 मंथ क्रिकेट खेल रहे हैं उन लोगों को आप ला रहे हैं जो रात को सोते हैं सुबह उठते हैं, उनको आप टीम में ले आते हैं? इस तरह नहीं चलने वाला। पाकिस्तान बैड परफॉर्मेंस देगा T20 में, फिर उधर इधर उधर इधर की बातें सुना के फिर चुप हो जाएंगे। तो एक भी एक्सपीरियंस प्लेयर आपने नहीं लिया। आप वैसे जस्ट टीम सेलेक्ट कर रहे हैं जैसे गली मोहल्ले में खेल रही हो भाई। होश होश के नाखन लो। इतने पैसे अवाम गरीब के टैक्स देती है, ये सारा पैसा आप ज़ाया करते हैं। लाखों रुपए में जो है तनख्वाह में और सैलरीज देते हैं चेयरमैन बोर्ड को, सिलेक्टर को, कोचेस को, तो रिज़ल्ट नहीं निकलता जो है 1% भी परफॉर्मेंस का टीम का। तो आप कहते नहीं हमने टीम सेलेक्ट की। तो आपकी क्या राय है, क्या कमेंट करना चाहते हैं नीचे बता देने। तो हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। बाकी अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट और ऐसी वीडियो के साथ।